हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आइडेंटिफायर के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर आइडेंटिफायर क्या होते हैं? तो इन जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर इज ए नेम दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट। यानी क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हैं, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लास, है ना, इस तरह के जो भी हम अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इनका जो नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है, यानी इनका नाम क्या हम रख सकते हैं, तो उनके सेट ऑफ रूल्स हैं। और ये जो नाम को आइडेंटिफाई करने के जो रूल्स हैं, है ना, जो भी हम नाम लिखेंगे, इनके वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हैं, क्या हम यूज नहीं कर सकते उसके नेम में, तो इनके सेट ऑफ रूल्स हम हमारे डिफाइन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिनको आइडेंटिफायर बोलते हैं। एन आइडेंटिफायर मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड कन्वर्जन इन ऑर्डर टू बी वैलिड। क्या रूल्स हैं? ये रूल्स हैं वो, जैसे कि एन आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन लेटर्स ए टू जेड, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, है ना, डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर। यानी कि कोई एक आइडेंटिफायर है तो उस आइडेंटिफायर में जो करेक्टर होंगे वो या तो स्मॉल या कैपिटल लेटर में ए टू जेड तक करेक्टर हो सकते हैं, 0 से 9 डिजिट हो सकते हैं, या अंडरस्कोर हो सकता है, या डॉलर का साइन हो सकता है। क्लियर? द फर्स्ट करेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी ए लेटर एन अंडरस्कोर और ए डॉलर साइन, इट कैन नॉट बी डिजिट। हाँ, अब जैसे कि कोई एक वेरिएबल, फंक्शन या हम क्लास का नाम बना रहे हैं, तो उसमें जो फर्स्ट करेक्टर होगा उस पर्टिकुलर, मतलब आइडेंटिफायर हम बोलेंगे, वेरिएबल हम बोलें, फंक्शन बोलें, तो उसका कोई एक डिजिट नहीं हो सकता पहला नाम, जैसे कि ए, तो डिजिट से स्टार्ट है तो हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम कोई करेक्टर ले सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल, अंडरस्कोर ले सकते हैं या डॉलर ले सकते हैं, ये वैलिड है, ठीक है, लेकिन इस तरह से कोई वो नहीं ले सकते हम करेक्ट, मतलब डिजिट। डॉलर जो स्पेशल करेक्टर है, उसके अलावा हम और कुछ भी नहीं ले सकते, जैसे ना हाइफन यूज किया तो हम ये हाइफन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फंक्शन का नाम, ये देखिए, फंक्शन जो है कीवर्ड का नाम है, तो हम इस किसी भी प्रकार के कीवर्ड के नेम का यूज हम एज आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट यूज ए रिजर्व कीवर्ड। तो जितने भी हमारे कीवर्ड हैं उनको एज ए आइडेंटिफायर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कीवर्ड है, उन वर्ड का मीनिंग है अपने अपने काम के लिए, ठीक है, आपको ये समझ में आया। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, हाँ, कि आपने माई वेरिएबल स्मॉल लेटर में लिखा या कैपिटल लेटर में लिखा माई वेरिएबल, दो अलग अलग वेरिएबल के नाम होंगे, ठीक है, तो ये मतलब है केस सेंसिटिव का। ये लिखा देखो, जैसे कि सो माई वेरिएबल एंड माई वेरिएबल आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, बिल्कुल, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी द सेम एज रिजर्व कीवर्ड सच एज इफ वाइल फंक्शन, है ना। तो यही हमने अभी बताया कि जो हम कीवर्ड का जो हमारे कीवर्ड हैं जावास्क्रिप्ट में, वो हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफायर शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड मीनिंगफुल सो दैट दे कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय अदर डेवलपर। हाँ, ये थोड़ा इजी होना चाहिए, मीनिंगफुल हम नाम रखेंगे, जैसे क्या होता है, बिगनर जो होते हैं वो ए बी सी इस तरह के नाम रख देते हैं खासतौर पर वेरिएबल के, तो हम ऐसा नहीं करें। जिस भी काम के लिए वेरिएबल यूज हो रहा है वो उसी से रिलेटेड हम उसका नाम रखें, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा, कोड की रीडेबिलिटी भी इससे इम्प्रूव होगी, अंडरस्टैंड। इस तरह से एग्जांपल दिया हम रख सकते हैं, इस तरह का हम नाम नहीं रखेंगे, ठीक है। इन समरी आइडेंटिफायर आर फंक्शनल पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड यूज टू नेम एंड आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट by following the rules of conversion for valid identifiers, developers can write clear, understandable and maintainable code. बिल्कुल, तो ये मतलब होता है आइडेंटिफायर का, यानी कि जो फंक्शन के नाम है, वेरिएबल का नाम है, क्लास का नाम है या ऑब्जेक्ट के नाम है, ये कुछ सर्टेन रूल्स के हिसाब से हम इनको जो नाम है वो लिखे हैं, और ये वो रूल है, ठीक है, तो यही होता है आइडेंटिफायर। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। थैंक यू।